मैं बहुत हैरत में हूँ और मुझे देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना है कि क्या नई संसद जिसका आप दावा कर रहे हैं उसमें गाली देने की छूट है। शुक्रवार को संसद में बसपा सांसद दानिश अली पर बीजेपी के दिल्ली सांसद रमेश विधूड़ी ने अमर्यादित टिप्पणी की। अब इस पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी सरकार से सवाल पूछा है कि क्या मोदी जी नई संसद में गाली देने की छूट है। वीडियो देखिए। देखिए, जिस तरह से कल देश की संसद में रमेश विधूड़ी जो भाजपा के सांसद हैं उन्होंने बसपा के सांसद दानिश अली को गाली दी, सिर्फ गाली नहीं दी बल्कि सांप्रदायिक गाली दी, उस भाषा का इस्तेमाल किया जो गली चौराहों पर इस्तेमाल की जाती है, तो मैं बहुत हैरत में हूं और मुझे देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना है कि क्या नई संसद जिसका आप दावा कर रहे हैं उसमें गाली देने की छूट है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद के सपने की जो संसद थी, जो बनी हुई पुरानी संसद, उसमें तो मैंने कभी किसी को गाली देते हुए नहीं सुना था। नई संसद में क्या गाली देने की छूट है, मेरा सवाल है। प्रधानमंत्री स्वयं राज्यसभा में उस समय मौजूद थे जब लोकसभा में ये घटनाक्रम हो रहा था। 100 फीट, 150 फीट की दूरी पर, मेरा मानना है 200 फीट की दूरी पर। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मुझे लगता है कि संविधान, संसद की गरिमा, संसदीय मर्यादा, इन सब के मायने क्या रह जाते हैं। मेरी गुजारिश है लोकसभा अध्यक्ष से कड़ी कार्रवाई करके आप देश को संदेशा दीजिए। आपने अधीर रंजन चौधरी जी को सस्पेंड किया था बिना किसी कारण के, इधर राज्यसभा में संजय सिंह सस्पेंड हुए बिना किसी बड़े गुनाह के, राघव सस्पेंड हुए बिना किसी बड़े गुनाह के, तो ये तो मतलब इतना बड़ा मामला है। सिर्फ गाली नहीं, धमकी, गाली, सांप्रदायिक गाली, सब कुछ। देश का हर संभ्रांत व्यक्ति दानिश के साथ खड़ा है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि साफ तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी मोदी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि क्या संसद नहीं है तो इसलिए गाली देने की यहां पर छूट दे दी गई है। दरअसल शुक्रवार को संसद में कार्यवाही के दौरान भाजपा सांसद रमेश विधूड़ी ने चंद्रयान 3 के बारे में चर्चा की। चंद्रयान 3 मिशन और इसरो की सफलता पर वो बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की, सरकार की तारीफ की, जिस पर बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने रमेश विधूड़ी के संबोधन के बीच उठकर कुछ सवाल किए। इसके बाद भाजपा सांसद ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए इस पर अपनी नाराजगी जताई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल है। इस पर ही इमरान प्रतापगढ़ी ने विरोध जताया। वे बोले कि मेरा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध है कि आप अपने ऐसे गालीबाज सांसद पर रोक लगाएं। बीजेपी के नेता देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी ने दानिश अली के आवास पर जाकर मुलाकात भी की। मुलाकात की तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा, तुम्हारी हर नफरत वाली सोच के खिलाफ हम खड़े हैं। देश की संसद के अंदर दानिश अली को बीजेपी सांसद की ओर से जिस तरह गाली दी गई वो शर्मनाक है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।